हे गाइस वेलकम बैक, मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं ईवी माइंड। तो फाइनली टीवीएस की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। टीवीएस कंपनी अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर पे बहुत तेजी से काम कर रही है। तो देखते हैं और बात करते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है कि इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने वाली है, कौन से मोटर देखने को मिलने वाला है, कौन सी बैटरी देखने को मिलेगी, तो बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएगी और बेल आइकन को दबा देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और कुछ नया सीख लेते हैं। तो चलो, तो अब हम बात करते हैं भाई टीवीएस कंपनी करने क्या वाली है। टीवीएस कंपनी का प्लान है नेक्स्ट 18th मंथ में वो अपने 5 से 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है। टीवीएस कंपनी का ये भी प्लान है वो इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च करेंगे और इलेक्ट्रिक बाइक भी लॉन्च करेंगे। पहले आपको टीवीएस आईक्यू में BLDC मोटर देखने को मिलता था, अब टीवीएस कंपनी का प्लान है टीवीएस कंपनी जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी वहां पे आपको AC मोटर देखने को मिलेगा। AC मोटर आपको जैसे एथर में देखने को मिलता था और ओला वगैरह में आपको देखने को मिलता है। BLDC मोटर पहले आपको देखने को मिलता था टीवीएस आईक्यू में, अब टीवीएस कंपनी अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है वहां पे आपको AC मोटर देखने को मिलेगा। और टीवीएस कंपनी की तरफ से एक और इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, टीवीएस कंपनी जो अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है उसकी मोटर कैपेसिटी 5 किलोवाट से लेकर 25 किलोवाट की हो सकती है। बहुत बड़ा है 25 किलोवाट, यहाँ पर रेंज भी अच्छी मिलेगी 200 से प्लस, टॉप भी अच्छी मिलेगी। और आपको पता है टीवीएस कंपनी जो टीवीएस आईक्यू है उसमें आपको NMC बैटरी देखने को मिलती है। अब टीवीएस कंपनी आपको जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर देगी या लॉन्च करेगी वहां पे आपको LFP बैटरी देखने को मिल जाएगी। LFP बैटरी ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू द NMC बैटरी। टीवीएस कंपनी जो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ लॉन्च करेगी, LFP बैटरी देखने को मिलेगी, AC मोटर देखने को मिलेगा, बिंदास इलेक्ट्रिक स्कूटर रहेगा, अच्छी खासी वारंटी देखने को मिलेगी, अच्छी खासी टॉप स्पीड, अच्छी खासी रेंज देखने को मिलेगी। अभी तक टीवीएस का आप देखें, टीवीएस आईक्यू का अगर मार्केट में देखें तो 33% टीवीएस आईक्यू ने कैप्चर करके रखा है। टीवीएस आईक्यू की जो सेल्स है नंबर 3rd नंबर 2nd पे रहती है, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि नंबर 8th नंबर 9th पे होगी, हमेशा नंबर 2nd नंबर 3rd पे टीवीएस आईक्यू बैठी है। और यहाँ पे टीवीएस आईक्यू की जो सेल्स है बहुत ही अच्छी खासी होती है और टीवीएस कंपनी जो अपने अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है वो बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ भी आने वाला है। तो अब बात करते हैं हम टीवीएस आईक्यू एसटी की डिलीवरी के बारे में। टीवीएस आईक्यू एसटी की जो डिलीवरी अपडेट है वो अप्रैल तक आ सकती है, मतलब अप्रैल तक कंपनी इसकी डिलीवरी की डेट दे सकती है और ये कंपनी ने खुद बोला है। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।